मृत्यु में पहली नीति है भाई बंधुओं की परख संकट में और जीवन साथी की परख धन नष्ट होने पर होती है। यानी कि जब भी हम परेशानी में हो और दोस्त हमें सहारा दे तो वही हमारा सच्चा मित्र है। अन्यथा सुख में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन दुख में सहारा देने वाला इंसान ही सच्चा इंसान कहलाता है। इसी तरह से हमारे अपने जीवन साथी यदि हमारी जरूरतों और हमारे धन को संयोग रखने की कला नहीं समझते तो वे हमारे साथ जीवन काटने के लायक नहीं है। ऐसे लोग साथ आगे चलकर हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी भी अपनी राज की बातें किसी को भी बतानी नहीं चाहिए, ये आदत हमें बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने सही तो कहा है, जब हम अपने दिल की बात किसी एक से भी बांट लेते हैं तो वह कली राज नहीं रहती, वह बात आपकी तरह सारे गांव समाज में फैल जाती है। और हमारे रहस्य यदि सबको मालूम हो जाए तो तभी से हमारे पतन का समय आरंभ हो जाता है। सभी कष्टों से बड़ा कष्ट पराए घर में रहने का है। इतिहास गवाह इस बात का कि मनुष्य अपने खुद की वस्तु पर ही हक जता सकता है, अन्यथा दूसरे की वस्तु इस्तेमाल करने से वह एहसानमंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। आचार्य की इस बात को उदाहरण से ही समझा सकते हैं। जंगल में काफी सारे पेड़ होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ काटने वाले सबसे पहले किस पेड़ को काटते हैं? वह पेड़ जो देखने में मजबूत हो और सीधा हो उसे सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि उसे काटने में कोई समस्या नहीं होती। इसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव भी है, जो सबसे ज्यादा सीधा और ईमानदार होता है लोग उसी को अधिक कष्ट देते हैं, क्योंकि जो जानते हैं कि चालाक इंसान उनकी बुरी भावनाओं को समझ जाएंगे। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के स्वार्थ ना छिपे हों। यह कटु सत्य है, लेकिन सत्य यही है। आचार्य चाणक्य के इन वचनों का बहिष्कार सभी करते हैं, क्योंकि जो सच्चे मित्र है वह इस बात को मानते नहीं है। लेकिन इस वचन को गहराई से समझा जाए तो इसमें सकारात्मक सोच भी छिपी है। यदि किसी मित्रता बिल्कुल सच्ची है, उसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वहां स्वार्थ छिपा है। स्वार्थ एक अच्छा मित्र बनने का, स्वार्थ एक मित्रता को पाने का, तथा आखिरी स्वार्थ मित्रता से मिलने वाले प्रेम को पाने का। यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तभी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे खुद को ताकतवर प्रदर्शित करना चाहिए। आचार्य की ये बातें हमें केवल इतना समझाती है कि कमजोर व्यक्ति की हमेशा ही हार होती है, इसलिए अपनी कमजोरी को प्रदर्शित ना होने दे। ऐसा धन जो बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद या फिर अपना धर्म ईमान सब छोड़ने के बाद हासिल हुआ है, ऐसा धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी हमारे अच्छे कार्यों को सफल नहीं बनाता, ये हमारी बर्बादी का सबब ही बनता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलती काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। जीवन की सफलता इसी वचन में छिपी है। यदि हम बीते हुए कल से ही बंधे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।